नमस्कार, मैं मुकेश कुमार शर्मा ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आरएसआईटी के नई बुक का दूसरे अध्याय का दूसरा वीडियो, इसमें मैं आपको कंप्यूटर की परिभाषा सिखाऊंगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डाटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और उसके बाद इच्छित परिणाम देते हैं। एक आप ये वाली परिभाषा भी याद रख सकते हो कंप्यूटर की। कंप्यूटर की परिभाषा जो मैंने लिखी है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करके उद्देश्य परिणाम प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप दो कंप्यूटर की परिभाषा याद करें। अगर कंप्यूटर क्षेत्र बारे में परिभाषा नहीं आती है तो इसका मतलब आपका सीखना बेकार है। डेटा की भी परिभाषा यहां दी गई है, तीन शब्द याद रखने हैं सिर्फ। डेटा का मतलब होता है रो, फैक्ट्स एंड फिगर, उसे कहा जाता है डाटा। इसके बाद कंप्यूटर की यदि बात करें तो कंप्यूटर केवल विद्युत सिग्नलों से काम करता है, जैसे ऑन ऑफ, और ऑन ऑफ से बना है बाइनरी। तो यानी कि कंप्यूटर को आप याद रखना है बाइनरी का 0 और 1। कंप्यूटर एक सूचना प्रणाली का हिस्सा है। सूचना प्रणाली के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 हार्डवेयर, नंबर 3 सॉफ्टवेयर, नंबर 4 प्रोसीजर, नंबर 5 लोग। सबसे पहले नंबर 1 लोग पढ़ते हैं। लोग 4 होता है प्यूपिल अर्थात यूजर। आप पहले यहां से याद, कंप्यूटर की परिभाषा मैंने यहां लिखी है, इसको लिखना है और याद करना है। कंप्यूटर पर कार्य करने वाला यूजर कहलाता है। दूसरा, कंप्यूटर के द्वारा लोगों को अधिक उत्पादक और प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है प्रोसीजर, प्रक्रियाएं। कंप्यूटर को चलाने के वे नियम या दिशा निर्देश जो कि लोग सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा का उपयोग करते समय करते हैं, उन्हें प्रोसीजर या प्रक्रियाएं कहते हैं। तीसरा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की परिभाषा सरल और आसान है, आप देख सकते हो, इसको अच्छे से याद करना है। एक प्रोग्राम दिशा निर्देशों का सेट होता है, कंप्यूटर को निर्देशित करता है, जो स्टेप बाय स्टेप काम करवाता है। प्रोग्राम सेट ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है, मैं पहले भी समझा चुका हूं। 4 होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर अपन अच्छे से समझ चुके हैं पहले, लेकिन यहां भी समझते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल होता है और वह उपकरण जो डाटा को प्रोसेस कर सूचना बदलता है वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर। अंडरलाइन करनी है, ये इसकी थ्योरी है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर और प्रणाली इकाई है। 5वां होता है डेटा। डाटा होता है कच्चे और असंसाधित तथ्य, जैसे पाठ है, संख्या है, कोई फोटो है, ध्वनि है, कोई सॉफ्टवेयर है, वीडियो है, जो भी कंप्यूटर मोबाइल में रखा जाता है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, डेटा या डाटा। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर सिस्टम के कुछ घटक सिखाऊंगा। सबसे पहला घटक है हार्डवेयर घटक। हार्डवेयर घटक हम हार्डवेयर पहले से समझ चुके हैं, यहां फिर से अंडरलाइन कर सकते हैं, ये एक सामान्य शब्द है। कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी घटक की भौतिक स्थिति है जिसे आप देख सकते हो और छू सकते हो, वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर को 4 भागों में बांटा है, पहली वीडियो में भी सिखा चुका हूं। हार्डवेयर के घटक इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रसंस्करण अर्थात प्रोसेसिंग घटक होते हैं। डिवाइस, जो डिवाइस सीपीयू के एक अभिन्न अंग नहीं है, अर्थात सीपीयू होता है एक जो कैबिनेट बोलते हैं जिसको, उन्हें बाहरी उपकरण के रूप में माना जाता है, वो पेरिफेरल होते हैं। मतलब सीपीयू के अंदर जो नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। सीपीयू के रूप में उपकरण एक भौतिक बॉक्स के बाहर होना जरूरी नहीं है। एक उसका अच्छा उदाहरण हार्ड डिस्क भी है। हार्ड डिस्क पेरिफेरल में रखा गया है, जो हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। बात आती है कंप्यूटर में प्रोसेसर की अर्थात सीपीयू की। कंप्यूटर में प्रोसेसर, मैन और सेकेंडरी, दो प्रकार की मेमोरी व दोनों, और पावर सप्लाई, सहायक हार्डवेयर धातु की कैश में रखा जाता है। कैश वो कैबिनेट को बोला गया जो एक लोहे का होता है जिसमें मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, एसएमपीएस कसी हुई होती है। इनमें से अधिकांश जो घटक होते हैं, इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड जिसे बोला गया है मदरबोर्ड,
से जुड़े होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के सीपीयू में एक सबसे बड़ा बोर्ड होता है, उसे मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हैं प्रोसेसर सीपीयू को, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मैन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर जिसे सीपीयू कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसका बना होता है वो याद रखना, सिलिकॉन धातु का बना होता है वो। इसके अंदर अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं एक सीपीयू के अंदर। दिखने में सीपीयू छोटा सा होगा लेकिन उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर हैं। इन घटकों को, ये जो प्रोसेसर होता है वो कंप्यूटर के सभी घटकों को कंट्रोल करता है। और प्रोसेसर का जो पूरा नाम है वो आपको याद रखना है, अर्थात सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे, बैंक, SSC, RACIT। और कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं प्रोसेसर के, पेंटियम, पेंटियम के प्रोसेसर आते हैं P1, P2, P3, P4 ऐसे। फिर इसके बाद आने लगे कोर i3, कोर i5, i7। अगर ये कोई i7, i3, i5 की बात कर रहा है, मोबाइल और कंप्यूटर, उसका मतलब प्रोसेसर की बात चल रही है। जियोन और स्पार्क प्रोसेसर, इनमें से किसी भी चीज को पूछ के पूछ सकता है, ये प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क के क्या है। तो आपको चारों पांचों उदाहरण अच्छे से याद रखने हैं। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए और आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के घटक, सॉरी सॉफ्टवेयर के घटक और हैं इसमें, ये और बताने थे। कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक भौतिक स्थिति नहीं होती है, बस इसमें इतना ही है। सॉफ्टवेयर में पहले समझा चुका हूँ आपको। अगर ये वीडियो पसंद आए या इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, अन्य चीज़ें पढ़नी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़नी है तो उसके लिए सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बहुत ही जरूरी है।